अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमानस्य सर्वत अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमानस्य सर्वत। सिसिल भक्ति सिद्धांत सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, ये जगत का आकर्षण और विकर्षण का जो चक्कर चल रहा है, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। गौड़ीय गोष्ठीपति गौड़ीय गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, ये जगत में जो आकर्षण और विकर्षण का चक्कर चल रहा है, इस आकर्षण विकर्षण का चक्कर से बाहर जाना चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसका एक फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए। जिंदगी में क्या प्राप्त होने से मैं वास्तव संतुष्ट हो सकूं और क्या नहीं प्राप्त होने से मैं दुखी हो जाऊं, इसका साइंटिफिक एक सेटलमेंट होना चाहिए। मूर्ख का मापिक दौड़ने से कोई फायदा नहीं। वास्तव आत्मा का साथ ये साक्षात्कार होना चाहिए। क्या चाहिए तेरे को, क्या प्राप्त होने से तू संतुष्ट हो सके, ये इसका एक फाइनल सेटलमेंट जब तक ना हो जाए, जीवों का अंदर में जो बेचैनी है ये बने रहेगी। ये बेचैनी हटाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। श्रील परीक्षित महाराज जी तमाम ये दुनिया का रिप्रेजेंटेटिव होकर हमारा सामने ये प्रश्न रख दिया। हमारा सामने नहीं प्रश्न रखा है, ये सुखदेव गोस्वामी परमहंस गुरु इनके सामने, तो ये क्वेश्चन हमारा लिए भी एक इशू बन गया, इंटरनेशनल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं, प्राइवेट क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन जो है इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन। तमाम ये जो दुनिया है, ये दुनिया का तरफ से हर जीवात्मा का अंतर से एक क्वेश्चन होनी जरूरी है, होना हर जीवात्मा का ओर से ये जो क्वेश्चन है ये होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। किसी का अंदर में सेल्फ इंटरोगेशन, आत्मजिज्ञासा उदित नहीं हो रहा है। इसका कारण है माया का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताएं कि देखो, ये सारे तमाम ये जो जीवात्मा हैं सारे माया में फंसे हुए हैं, इसलिए इसका अंदर में ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। माया में उलझे हुए हैं, इसलिए इसका अंदर में ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जिस क्वेश्चन सनातन गोस्वामी जी ने रखा है, जिस क्वेश्चन श्रील परीक्षित महाराज जी ने श्रील परमहंस गुरु सुखदेव गोस्वामी का पास रखे, जिसको वेदांत सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहेंगे, जिसको भागवत में अथा तो तत्व जिज्ञासा कहेंगे, जिसको हमने वेदांतों का सूक्ष्म विचार के द्वारा स्थापन किए थे उस दिन, ये इसका नाम ही अथो तो शब्द जिज्ञासा। ये जो विषय है वो होना चाहिए। आज जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है, जो भागवत धर्म है ये आत्मधर्म है, ये बड़ा आश्चर्य विषय है।
इसमें पहला कदम ये है कि आश्रय लोया भजे तारे कृष्ण ताही नहीं त्यजे, अर्थात सनातन धर्म जो सनातन धर्म का विशुद्ध स्वरूप, सनातन धर्म का एक्सटेंडेड स्वरूप नहीं, सनातन धर्म का जो विशुद्ध स्वरूप, ये सनातन धर्म ही भागवत धर्म होता है, ये सनातन धर्म ही आत्मधर्म होता है, ये आत्मधर्म ही भागवत धर्म होता है, ये सिनोनिम है। लेकिन काल बताया गया इस विषय, जो आत्मसमर्पण का जो विषय है, सबमिशन का जो क्वेश्चन है, ये सबमिशन असली सबमिशन नहीं है। ऑफिस कचौड़ी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी जाओ, स्कूल में कहीं भी जाओ, यहाँ तक कि घर गृहस्थ में स्वामी के चरणों में जिस किस्म का शरणागति दिखाई पड़ता है, ये शरणागति जो है, सबमिशन जो है, ये एक्चुअल सबमिशन नहीं है, वास्तव सबमिशन नहीं है। काल इस विषय में चर्चा हुआ। जिस समय जीवात्मा का अंदर में 100% ये पुकार आता है, ठाकुर जी बचाओ बचाओ, मैं डूबते जा रहा हूँ और दूसरा कोई रास्ता नहीं। ध्यान से इस बात पर विचार करना, जब तक हमारा बैंक बैलेंस हमारा रक्षा करता है, जब हम सोचे कि हमारा बैंक बैलेंस कैन प्रोटेक्ट मी, गिव मी फुल प्रोटेक्शन, जब हम सोचे कि हमारा जो मैन पावर है कैन गिव मी फुल प्रोटेक्शन, हमारा जो विद्वत्ता है ये हमको प्रोटेक्शन दे सके, मनी पावर, मैन पावर, जो कुछ भी है, तमाम दुनिया का विषय जिसका ऊपर भरोसा रखे मैं बैठा हुआ हूँ, निश्चिंत होके कि हमारा प्रोटेक्शन बन जाए। जब ये बात आता है युधिष्ठिर महाराज के सामने, एक प्रश्न रखे, एक क्वेश्चन किया, बगुला रूपी धर्मराज एक क्वेश्चन रखे, बगुला रूपी जो धर्मराज श्रील युधिष्ठिर महाराज के सामने प्रश्न रखे, जे बहुत किस्म का क्वेश्चन रखे, इसमें ये क्वेश्चन आता है कौन सुखी है, कौन वास्तव किसको शांति मिलेगी, ये सब विषय में बहुत सारे क्वेश्चन आता है। और परीक्षित महाराज जी ने जो क्वेश्चन की है, ऐसा ही क्वेश्चन रख दिए, हजारों हजारों आदमी जमालय में जा रहा है लेकिन किसी का अंदर में होश नहीं है, ये जमालय में जो जा रहा है सब आदमी, वह आदमी चाय का दुकान में बैठकर बैठक कर रहा है, मजाक कर रहा है, बड़ा मस्ती ले रहा है, इधर उधर बैठ के बिजनेस का चर्चा हो रहा है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सारे चर्चा हुआ है, या तो किसी का समालोचना हो रहा है कि इसी ने ये किया, देखो ऐसा बात है जिसका बारे में प्रभुपाद जी ने खुल्लाम खुल्ला बता दिया, देखो एक बद्धजीव दूसरे बद्धजीव का समालोचना क्रिटिसिज्म नहीं करना, अगर करोगे बद्धजीव होने का नाते तुम्हारा जो वांटेड कंडीशन है ये तुमको परमिट नहीं करेगा, यू कैन ऑल्सो फॉल डाउन। इसलिए बद्धजीव किसी का बारे में समालोचना नहीं करे,
लेकिन जो गुरुदेव है, वैष्णव लोग है, जो समाज संसार को पालन करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए उसका आविर्भाव हुआ है, उसका लिए ये दोषदायक नहीं हो। क्योंकि महात्मा लोग शुद्ध गुरु वैष्णव अगर ना कहे तो कहाँ से सुधार होगा, कहाँ से सुधार नहीं हो पाएगा। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसायत न गर्हित विश्व में एकात्मन तस्न प्रकृति पुरुषेण च। पोपा जी ने बताएं किसी का बारे में चर्चा नहीं करना। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसित न गर्हित। अद्भुत चीज़ है इसका अंदर। किसका बारे में प्रशंसा भी नहीं करना, निंदा भी नहीं करना। ही महाराज अजीब की बात है, प्रशंसा करे तो अच्छा ही है, तो क्या खराबी है उसमें? हाँ खराबी है, तुम्हारा बुद्धि उतना तक पहुँचेगा नहीं। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसित न गर्हित विश्व में एकात्मनम प्रकृति पुरुषेण च पश्चन प्रकृति पुरुषेण च। जो तत्वज्ञानी पुरुष है वो देख रहा है दुनिया में प्रकृति और पुरुष का संयोग के द्वारा ये डाइवर्सिटी उत्पत्ति हुआ है। एक महापुरुष, एक महाभागवत अद्वैत ज्ञान तत्व में संपूर्ण सुप्रतिष्ठित है, उसका अंदर में कोई उल्टा सीधा भावना नहीं आता है। लेकिन एक बद्ध जीव किसी का बारे में प्रशंसा करने जाए या तो निंदा करने जाए, दोनों में ही उसका करैक्टर, उसका स्वभाव, उसका जो भाव है, इसका ऊपर कंसेंट्रेट करना चाहिए। विदाउट कंसेंट्रेशन हाउ आई कैन स्पीक अबाउट, किसी का बारे में निंदा चर्चा करना चाहो तो हमको कंसेंट्रेट करना चाहिए। अब हम हरिकथा में बैठे, हमारा दूसरा जगह चिंता रहने का कोई संभावना है ही नहीं। फुल्ली आई एम कंसेंट्रेटेड ऑन टू द लोटस फीट ऑफ गुरुपाद पद्मा प्रभुपाद वाक् विनोद ठाकुर एंड गौरांग महापौनितान। और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कैसे आएगा, तो फिर आएगा नहीं। किसी का बारे में कुछ चर्चा करने जाओ, तो कोई बोलने जाओ, प्रशंसा करने जाओ, ये तो चर्चा ही हुआ। इसमें तुम्हारा वो बद्ध जीव का विषय में थोड़ा कंसेंट्रेटेड हो जाए, कंसेंट्रेशन आ जाए। इसमें आपका जो लक्ष्य वस्तु है, जो गोल है, उसमें थोड़ा डाइवर्टेड हो जाओगे। और ऐसा अभ्यास अगर बने रहे तो अंतिम समय में आपका यही अभ्यास में बदल जाएगा, इस स्वभाव में बदल जाए। आज जो अभ्यास है काल वो स्वभाव में बदल जाएगा। इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू। सो पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसित न गर्हित विश्व में एकात्मन पश्चन प्रकृति पुरुषेण च। प्रकृति और पुरुष का जो सांख्य युग है भागवत में वर्णन किया कपिल जी महाराज। अब ये सब बताने का टाइम नहीं है, कब कई ये बारे में चर्चा करने का समय आए, ये रहस्य का उद्घाटन करेंगे, आंखें खोल जाएगा। अरे ये सब रहस्य है, और हमने बूका बन के ये सब पीछे दौड़ रहा है, माया का पीछे ये सब आए। और ये सब तमाम दुनिया जो धीरे धीरे मरने का जो रास्ते पे जा रहा है, कोई मर रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य जा रहा है, लेकिन इधर ही चर्चा में लगे हुए हैं, चाय का दुकान में, कॉफ़ी का दुकान में। इसको पता नहीं कि हमको भी जाना पड़ेगा, वो चर्चा करे, इसका पिता का मौत हो गया जानता है, वो जा रहा है और वो मजे में ताश खेल रहा है, मजा कर रहा है, वो उसका कोई भावना है नहीं। ये जो विषय है, ये सब व्यक्ति जो माया में उलझे हुए हैं, वो किसी भी हालत से मठ में आ गया, खाना मिलता नहीं घर में, नौकरी चाकरी, चल मठ में, चल मठ में, चल खाना मिलेगा, सुंदर बैठे, आया आयस मिलेगा, पंखा मिलेगा, एसी डीसी सब मिलेगा। ऐसा करके जो बद्ध जीवों को मठ में ले आने का व्यवस्था है, जो ले आता है वो भी फुलिश है, नंबर वन फुलिश, और जिसको लाया गया वो तो मरेगा ही, बचने का कोई रास्ता नहीं। मतलब ये हुआ कि हमारा सेल्फ इंटरोगेशन, हम कैसे बचे, ये क्वेश्चन जब तक ना आए, हमारा परिस्थिति परिवेश, हमारा
फेवरेबल लगता है हमारा, हमारा बैंक का मनी है, हु इज गोइंग टू पुट मी इन ट्रबल महाराज, कोई समस्या नहीं, LIC है, डिपॉजिट है, सब है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है, क्या मेरा नहीं, आराम से। जब तक ये सब विषय वस्तुओं में आपका कंसेंट्रेशन है, यू आर गोइंग टू डिपेंड अपॉन दोज फैक्टर्स, तब तक आपका भागवत धर्म जाजन करने का कोई योग्यता नहीं हुआ। भागवत धर्म जाजन करने के लिए कोई योग्यता का जरूरी है नहीं, कोई योग्यता का जरूरी नहीं, सिर्फ ये है अंतर से शरणागत हो जाओ, अंतर में कोई डुप्लीसिटी नहीं है, बस हमको बचाओ, यही चाहिए। जैसे उदाहरण दिया था, फ्लड हो रहा है, उसमें जा रहा है, अब कोई रास्ता नहीं, बचाओ बोल के बस, यही हम एक रास्ता, द ओनली वे, बस यही। तो भागवत धर्म जो है, ये भागवत धर्म जाजन करने का ये रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। योग्यता का क्वालिफिकेशन विचार किया जाए तो कोई भी भागवत धर्म जाजन का क्वालिटी क्वालिफाई नहीं करे। लेकिन एक रहस्य है इसमें, जो भागवत धर्म का जाजन करने के लिए आए हैं, वास्तव अंतर से शरणागत हुए, वास्तव उस समय में जिस महात्मा का पास आए हुए हैं, वो महापुरुष ये शरणागत जीवात्मा का अंदर में सारे गुणावली डाल सकता है, ही कैन गिव ऑल क्वालिटीज, सारे क्वालिटी डाल सके, वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ तक कि भजन करते करते गुरु जी का कृपा, वैष्णवों का कृपा लेते लेते, भरपूर कृपा, तो जब आगे चल रहा है भजन का रास्ता, तो उसका ऐसा स्टेज आ जाए, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया, जो कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारी, अरे आश्चर्य की कमाल की बात, कृष्ण भक्तों में कृष्णों का जो गुणावली है सारे आ सकता, सारे मतलब जो भगवान का जो भगवत्ता है, इसका ओरिएंटेड जो क्वालिटीज है स्पेशल, वो छोड़ के, ध्यान दे बात पर, कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारे, कृष्ण भक्तों का अंदर कृष्ण का जो गुणावली है सारे आ सकता है, कृष्ण का जो भगवत्ता है, क्रिएटिव पावर, रास लीला करने का रस बाटवारा, ये सब जो स्पेशल को यही छोड़ के, भगवान का जो स्पेशलिटी है भगवत्ता का, ये छोड़कर बाकी क्वालिटी सब आ सकता है कृष्ण भक्त का अंदर, ये आश्चर्य से आश्चर्य की बात है। तो कृष्ण भक्त का अंदर में जो भक्ति पैदा होगी गुरु जी का कृपा के द्वारा, उसमें सारे गुणावली आने का संभावना है, तो कोई कमी नहीं रह जाएगा। लेकिन एक वस्तु है, उसको शरणागत, शरणागति का जो भाव है ये परफेक्ट होनी चाहिए, यानी सो होगा नहीं, क्योंकि भागवत में श्रील नित्यानंद, क्योंकि डायरेक्ट भगवान का चरण में आश्रय लेने का भागवत धर्म में, जो आत्मधर्म भागवत धर्म में, डायरेक्टली भगवान का पास जाने का कोई रास्ता नहीं, डायरेक्टली भगवान का चरण में शरणागति होने का भी कोई रास्ता है नहीं। भगवत चरण में शरणागति होने, सिद्ध होने का एक ही रास्ता है कि शुद्ध गुरु वैष्णव जो भगवान को हृदय में पकड़ के रखे हैं, अवरुद्ध करके रखे प्रेम के द्वारा, वो सब संत महात्मा का चरण में, अर्थात गुरु वैष्णव के चरण में शरणागति। ये होने से नित्यानंद बलराम आकर गुरु तत्व, ओरिजिनल गुरु तत्व के चरण में शरणागति सिद्धि हो पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भागवत में श्लोक आता है सुंदर, अक्सर मैं बलदेव बल्लाव जी का आविर्भाव तिथि में ये सब गंभीर चर्चा करने का सुयोग मिलता है, विशेष करके ये शाम स एशो भगवान दयेद अनंत सर्वात्मनाश्रित पदम यदि निर्वलीकम ते दुस्तराम मति तरंत च देव मायम न ममाहमीत स सिगाल भक्षे। अद्भुत श्लोक है, ये नहीं समझोगे कि भागवत धर्म में करोड़ों जन्म में तुम्हारा प्रवेश संभव नहीं, ये अगर इसको ये अगर नहीं समझे तो होगा नहीं। इसमें क्या विशेष है, इसमें बोला गया इस श्लोक में सुंदर,
जेशाम स एशो भगवान दय एद अनंत, जिसका ऊपर अनंत देव बल्लाव जी महाराज का करुणा वर्षे, जिसका ऊपर टपक जाए कृपा, बस हो गया, वो माला माल हो जाए। जो सब संत महात्मा ऊंचा कोटि का, उन लोग अपना भजन का रहस्य नहीं बताएगा। उन लोगों का जिंदगी में सपने में डायरेक्टली भगवान कैसे कैसे कृपा किया है वो सब बताएगा नहीं, कि ये बताना निश्चित है, ये सीक्रेट। लेकिन उसका सिम्टम देख के पता चलेगा ये जरूर 100% अनंत देव का कृपा मिला, नहीं तो ऐसा प्रभाव हो नहीं सकता। ये मनुष्य समाज में ये पावर होना संभव नहीं, जरूर इसका ऊपर भगवान का ऐसा ऐसा कृपा हुआ होगा, नहीं तो ये संभव नहीं। ये जिसका अभिगत एक्सपीरियंस है भजन के बारे में, तत्वदर्शी पुरुष देखने के से पता चलेगा, बाकी आदमी का बुद्धि में नहीं आए। ये शाम स एष भगवान दय एद अनंत, जिसका ऊपर भगवान नित्यानंद वल्लभ जी अनंत देव का कृपा बरसे बरसेगा, और बरसे बरसाने का कृपा आने का क्या कंडीशन है वो बाद में दे गया। जेशाम स एष भगवान दय एद अनंत, उसका बाद सर्वात्मना आश्रित पदम यदि निर्वलिकम, वेरी केयरफुल, ध्यान देनी चाहिए। सर्वात्मना आश्रित पदम यदि निर्वलिकम, निर्वलिक मनम, निर्वलिक मने कोई डुप्लीसिटी नहीं है, निर्वलिक अलिक मतलब ए फिक्टिटास इमेजिनरी और कपट है, इसमें यह भाव आता है कि निर्वलिकम मतलब कोई कपटता नहीं है, बिल्कुल हृदय साफा है, खोल के दिखाए, जैसे हनुमान जी महाराज दिल को फाड़ के दिखाए कि उसमें राम जी है, अंतर में भी राम जी है। जिसको भक्तिविनय ठाकुर ने सुंदर बताया कीर्तन में, अंतरे बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद हबो, बांग्ला होने से भी समझेगा, जो अंतर और बाहर में दूजा भाव ने सम, जो अंतर में भाव है बाहर में भी वही भाव, अंतरे बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद हबो, अमानी मतलब हमको सम्मान नहीं चाहिए, दूसरों को सम्मान दे देंगे। ये जो कंडीशन है ये भगवत धर्म जाजन करने का प्राइमरी येट द फंडामेंटल क्वालिटी यू शुड हैव, प्रिलिमिनरी नहीं, ये फंडामेंटल है, यही तुमको बचाएगा। तो जेसम स एष भगवान दयेद अनंत सर्वात्मनाश्रित पदम, यहाँ सर्वात्मनाश्रित पदम जो है मतलब सर्वतोभाव में मन बुद्धि अहंकार सारे इकट्ठा होके ये निर्णय ले लिया कि हमारा दूसरा कोई हस्ता है नहीं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, समझा। सर्वात्मनाश्रित मन सर्वतोभाव, सर्वतोभाव कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक वन पॉइंटेड हो गया है सर्वात्मनाश्रित पदम, सर्वतोभाव सर्वो ओर से विचार करके ये फाइनल डिसीजन ले ली, निर्वलिक भाव और ये दोनों एक ही अर्थ होते, क्योंकि सर्वात्मना आश्रित पदम जब तक ना होता ना निर्वलिक भाव सिद्ध नहीं होता, और निर्वलिक भाव तभी सिद्ध माना जाएगा जब ये सिद्ध है, सब इंटर रिलेटेड। सर्वात्मना आश्रित पदम जो निर्वलिकम, और उसका कंडीशन क्या, उसका सिम्टम क्या है, बोला ते 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 जनहा, ते मतलब बहुवचन, जिन लोगों का ऊपर ऐसा कृपा हुआ होगा, ये ते दुस्तरम अतितरं च देव माया, इस देवी का जो माया है, ये जो माया है मम माया दुरतया, गीता में भगवान गता है पूरा, ममे बजे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंति ते, हमारा चरण में जो शरणागत हो जाए वो छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं मेरा माता हमारा मेरा माया को काट के बाहर निकालो, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अभी हमने बताया भगवत चरण में डायरेक्ट शरणागति का रास्ता नहीं, वो साधु संत महात्मा का चरण में बलदाव, अल्टीमेटली बलदाव ही होता है, गुरु तो बलदाव तत्व होता है उसका चरण में है। जब तक शरणागत सिद्ध ना हो जाए तब तक ये बात
आता है ते दुस्तरम उतितरम तच देव मायाम ते दुस्तरम दुस्तरम माने उसको पार करना संभव नहीं दुस्तरम वो संभव नहीं ते दुस्तरम उतितरम तच देव मायाम न ममाहमिति स सिगाल भक्षे ये जो कुत्ता बिल्ली खाने वाला जो शरीर है इसमें जो आप जो आरोप बना के रखे हो मैं इतना बड़ा एजुकेटेड हूँ मैं इतना नौकरी चाकरी करता हूँ मेरा इतना मेरा ये परिचय है आइडेंटिटी कार्ड रखते हो ये सब विचार बना के रखते हो मैं इतना सुंदर हूँ इतना सुंदरी हूँ ये सब विचार एक विचार जो है एक कुत्ता बिल्ली का विचार भागवत में बताया गया द कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश रक्त मांस का विचार बना के रखे हुए हो जिस बारे में प्रभुपाद जी ने बार बार ये सब बात बताएं लेकिन किसी का कानों में नहीं आ रहा माया के कारण देर इज अ गल्प डिफरेंस बिटवीन दिस मेटेरियल वर्ल्ड एंड ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड इतना पार्थक्य है इतना भेद है प्राकृत जगत और अप्राकृत जगत का बीच में एक बड़ा गैपिंग है समझा ये जो गैपिंग है ये गैपिंग का मतलब है माया का गैपिंग आई मीन द कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश रक्त मांस का कंसेप्शन है जो राय रामानंद जी का साथ महाप्रभु का जो चर्चा हुआ था गोदावरी किनारे तो महाप्रभु जी ने राय महाशय को बताया कि तुम जहाँ तुम महाभागवत हो और जहाँ जहाँ दर्शन करते हो भगवत स्फूर्ति हो जाता जहाँ देखते हो वहाँ भगवत स्फूर्ति ये स्वाभाविक है चैतन्य महाप्रभु ये बताए अरे ठीक से बताओ प्रभु उल्टा नहीं बोलना आप कौन हो लेकिन हम देखा है श्याम सुंदर रूप राधा रानी के साथ और आप देखता है कांच एकदम गौरांग रूप ये जो श्री कृष्ण चैतन्य रूप ये गोल्डन कल्प कम्प्लेक्शन ये दूसरा ये जो दोबारा हम देखा एक बार देखा राधा रानी के साथ गोविंदो और फिर आप उल्टा बता रहे हो मेरे को आपको अस्वाभाविक है महाभागवत ठीक से बताओ आप कौन हो जो जो जबरदस्त किया तो महाप्रभु हंस के बताया बोलना नहीं किसी को हम एक पागल है तुम्हें पागल है मैं ही हूँ तब बताया महाप्रभु अब इसमें मैं एक मजे का चर्चा करता हूँ कि राय महाशय के लिए तो जहाँ जहाँ देखे दृष्टि परे तो उसमें भगवत स्फूर्ति हो जाए लेकिन मेरे लिए क्या है जहाँ जहाँ दृष्टि परे रक्त मांस स्फूरे हम जहाँ जहाँ देखूँ वो लड़की बैठा हुई है ये एक लड़का है ये दर्शन है जहाँ जहाँ दृष्टि परे रक्त मांस स्फूरे इसके बाहर मेरा दर्शन है नहीं क्या किया जाए इसलिए ये जो अनंत देव का कृपा का प्राप्ति उसका बाद क्या सुविधा मिलता है इसका बारे में बताया ते दुस्तराम अतितरंत च देव माया न ममाहमिति सशिगाल भक्षी ये हमारा है ये तुम्हारा है ये जो भावना है हमारा तुम्हारा ये जो भावना है ये सब मरमिट जाए रहेगा नहीं कब जब नित्यानंद बलराम का कृपा हो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का कृपा बहुत वो तो नित्य पार्षद है रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य पार्षद फिर भी लीला करके दिखाएं जितना बार भाग रहा है भाग नहीं पाता पकड़ के लाता पिताजी अंतिम में फेड़ा होके जब नित्यानंद बाबू आए पानीहाटी में उसके चरण में सर हम जितना बार कोशिश करें गौरांग चरण प्राप्ति करने का हमारा ये अंतरात्मा हमारा इच्छा है लेकिन हम जा नहीं पाते जब जाता है तो पकड़ के ले आता है पिताजी बहुत इन्फ्लुएंस है हाँ भी एक व्यवस्था कर दो गोसाई हमारा कोई रास्ता नहीं है नित्यानंद बाबू उसका सिरों पर सिर पर चरण डाले और बोले जा हो गया अब हो जाएगा व्यवस्था जब बोल दिया उसी समय रघुनाथ दास गोसाई का भागने का रास्ता खोल गया और जो जो बोल के रखा है नित्यानंद बाबू जा तेरे को गौरांग चरण मिलेगा और स्वरूप गोसाई का चरण में तेरे को डालेगा दे देगा स्वरूप गोसाई का चरण समर्पण करे और गुप्त सेवा मिलेगा प्रभु तेरे को सब फोरकास्ट कर दिया पहले से ऐसा ऐसा मिलेगा वही हुआ
तो जेसाम स येसु भगवान दयोद अनंत सर्वात्मना श्रुत पदम यदि निर्मलीकम ते दुस्वरम अति तरंत च देव मायम न ममाहुमीति सौशिगाल भक्षे। ये जो है ये पहले इसका अनुभव होनी चाहिए। शरणागत तो सिद्ध होने का बाद भागवत धर्मो जाजन का पूरा रास्ता खुल जाता है। ठीक है, भागवत धर्म जाजन करने का क्वालिफिकेशन हमारा अंदर में आ जाए। कब आ जाए? जब ये जगत जो है इसका, ये जो जगत है अनित्य जगत है, इसका बारे में महसूस होना चाहिए कि जगत अनित्य है। ये जिसका साथ संबंध जोड़ के रखे हुए हैं हम चारों ओर, हम जो बना के रखे हैं रिलेशन, सगे संबंधी सब बन के बना के हम बैठे हुए हैं, पक्का इसी में रहे जलंधर में। ये जो है, ये जो हमारा ये सब कुछ है, इसको हटाना चाहिए। जब तक ना होगा तब तक होगा नहीं। अब प्रश्न आता है, आप अभी बताएं कि गुरु वैष्णव का चरण में सिद्ध महात्मा, बद्धजीव का चरण में शरणागति होने से आपका कोई रास्ता खुलेगा नहीं, जितना चिल्लाओ हमको करने का, हम जो बातें बोले स्टैंडर्ड बात। जब सिद्ध महात्मा शुद्ध गुरु वैष्णव का पास आप आओगे, तब आपका ऊपर जो कृपा बरसे, कृपा का मतलब क्या है, जो आज तक आप जो संबंध बना के रखे हैं वो संबंध फीका पड़ जाए गुरुचरण में आश्रय लेने का। ये नहीं हो पाता कि गुरुचरण में आश्रय भी हुआ है हमारा, अरे महाराज मठ में भी आता हूँ, घर का संबंध पूरा बन के रखे, ये हुआ नहीं। ये इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर। जब गुरुचरण में आश्रय होता है, होने का साथ साथ ही दुनियादारी का जो संबंध है ये फीका पड़ जाता है। इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर। क्यों? मैंने गुरु जी चैतन्य महाप्रभु जी ने साक्षात परात्पर अखिलेश्वर स्टिल जो प्रचार का बहाना किया, जे हम मैं भक्त हूँ, भजन करता हूँ, प्रचार सारे प्रचार का मसला जो है हम चर्चा करेंगे काल बंग परसू, लेकिन ये सूत्र को हम इधर डालना चाहे कि क्या सूत्र है, जो गुरु वैष्णव के पास आने से क्या विशेष है जो हमारा दुनियादारी का जिस फीका पड़ जाए। विशेष ये है, जो गुरु वैष्णव के पास आने का साथ साथ आपका संबंध अविधि और प्रयोजन तत्व का जो रास्ता खुल जाता है, ये विशेष है। ये जो भागवत धर्म है, ये जो आत्मधर्म है, ये भागवत धर्म आत्मधर्म का ये सीक्रेसी है। क्या है? भले ये आत्मधर्म भागवत धर्म में आत्मनिवेदन तो पहला चीज हमने बताए गेट हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँ कि गीता में जहाँ भगवान, गीता में जो भगवान ने बताएं कि सर्वधर्मानं परित्यज्य माम एकम शरणं भज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, ये जो है ये है, समय अल्प है लेकिन गौड़ीय मठ का अवदान में और गहरा हमको जाना चाहिए था लेकिन टाइम नहीं मिला। सर्वधर्मानं परित्यज्य माम एकं शरणं भज, इसमें जो है जहाँ गीता जी, गीता, गीता में जो गीता उपनिषद है, गीता एक उपनिषद है, उपनिषद का भी अर्थ होता है, उपनिषद क्या माने हैं ये भी बहुत अर्थ होता है, कभी हम बता देंगे। उपो समीपे हैं जो बैठता है वो उसको उपनिषद, उपनिषद मतलब भगवान का आमना सामने हो जाए, ये उपनिषद है। मंत्र दीक्षा का भी ये है। उपनयति, उपनयन का क्या माने हैं? उपनयति गुरु जी वो उसको बद्धजीव को इधर आ बोल के उसको लेके भगवान का सामने, देख ये ठाकुर जी है, अनंत काल तेरा साथ संबंध है, तू भूल के अभी बैठा हुआ, देख इसको बोले उपनयन। उपो नयति भगवत समीपे इति उपनयन, समझा मेरा बात? दीक्षा का बारे में जब चर्चा करूँ वो खुल्ला खुल्ला बहुत डिटेल डिस्कशन हो पाएगा, अभी नहीं। सर्वधर्मानाम परित्यज मामेकं शरणं भज, दैट इज द गेट, भगवत धर्म जाजन का गेट हमने बताए। लेकिन ये ध्यान देना, गौड़ीय मठ का जो दर्शन है, गौड़ीय दर्शन जो है, इसमें ये जो सर्वधर्मानं परित्यज, जहाँ भगवा, जहाँ गीता उपनिषद में, गीता उपनिषद में, गीता में
जब अर्जुन का सामने भगवान श्री कृष्णचंद्र ये क्वेश्चन रख दिया, ये क्वेश्चन जो है, ये जो सर्वधर्मणां प्रति जो ये तो उपदेश दिया, दैट इज द फाइनल कंक्लूजन, गीता का अंतिम उपदेश। गीता का जितना सारे चैप्टर है, जितना सारे 750 श्लोक है, उसमें जितना सारे 700 है, इसमें जितना सारे बताया गया, अंतिम उपदेश यही है। जितना सारे चैप्टर है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजगुह योग, भक्ति योग, जितना सारे हैं, सबका अल्टीमेट उपदेश, फाइनल कंक्लूजन ये है कि तुम सब छोड़ के हमारा चरण में शरणागत हो। सर्वधर्मान, अरे महाराज कितना धर्म है अब सर्वधर्मान बोलते हो, सर्वधर्मान कितना धर्म है, हम बताया था बद्ध जीव जो संसार में है इसमें बहु किस्म का धर्मों को अपनाया है, लेकिन एक सिंगल धर्म है सब जीवात्मा का, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है भागवत धर्म। लेकिन सारे जीवात्मा एक एक धर्म को सेपरेटली अपना के रखा है। क्यों बोलता है संसार धर्म ही महाराज सबसे ऊपर है, कोई बोलता है महाराज ये जो है अलग अलग धर्म जो है सब मनाया, सब बना के रखा है, संसार धर्म बोलता है कोई, समाज का समाज धर्म बोलता है, अलग अलग करके टाइटल देखे उसमें फंसा हुआ है। लेकिन धर्मों का टोटल कंप्लीट व्याख्या हो जाए तो उसमें ये आएगा कि आत्मा का जो जरूरी है वो क्या है, वो भागवत धर्म, उसका आत्मधर्म, इसका बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये जो संबंध अविद्य प्रयोजन ज्ञान, महाप्रभु जी ने जहाँ भी गया ये संबंध अविद्य प्रयोजन के बारे में चर्चा किया, बोला देखो और कुछ नहीं, ये संबंध अविद्य, ये संबंध अविद्य प्रयोजन सनातन धर्म का, भागवत धर्म का ये विशेष है। इसमें पहले आपको ध्यान देना चाहिए, दीक्षा के समय अगर आत्मसमर्पण पूरा ना हो पाए वो, क्योंकि 100% में 100% शरणागति तब होता ही नहीं किसी का, अब होता है किसी किसी का होता, होता नहीं बोलने से गुरु, तो तभी दीक्षा कार्य संपन्नो, दीक्षा कार्य जो है इसका बहुत गंभीर रहस्य है, इट्स ए लॉन्ग प्रोसीड्योर, और जितना शरणागति हुआ है उतना हुआ तुम्हारा फल मिलेगा, क्योंकि उसका जो गुरु जी का दिया हुआ संबंध विधि प्रयोजन ज्ञान का जो रहस्य है, जितना तुम शरणागत हो जाओगे उतना परसेंटेज में तुम्हारा हृदय भी प्रकटित हो जाए। तो ऐसा हो सकता है गुरु जी का स्वभाव चरित्र आचरण धीरे धीरे देखते देखते, ऐसा भी तो हो सकता है गुरु जी का संग करते करते कथा सुनते सुनते मेरा दिल में जब दिखा लिया था तब हो सके तब 80% शरणागति था, अब संत महात्मा का संग करते ये भी तो हो सकता है 100% शरणागत हो गया, हो सकता ना, पहले हुआ नहीं था क्योंकि महाराज के जो हमारा इच्छा है हम भगवत, लेकिन पूरा नहीं हो पाए क्योंकि हमारा अंदर में उतना पावर नहीं है, गुरु वैष्णव का संग करते करते कभी हो जाए तो आपका दीक्षा का कार्य जो है वो हो पाएगा, नहीं तो दीक्षा कार्य जो है अर्थात दिव्य ज्ञान प्राप्ति का जो प्रसंग है ये नहीं पूरा हो पाएगा। ये जो विषय है इसमें संबंध ज्ञान, जब महाप्रभु जी ने ओ ईस्ट बंगाल में गया था वहाँ, उस समय एक व्यक्ति आया महाप्रभु का सामने, रात को सपने में आया, एक आश्चर्य विषय, किसी ने आके सपने में बोल रहा है, ए सुनो तुम जो भटक रहे हो, भजन का रास्ता नहीं मिल रहा है, निमाय आया है इधर, विद्या का बंटवारा करने का, तब असल विद्या तो वो विद्या असल तो आया है व्याकरण सिखाने से भी तो है ही है, लेकिन असलियत में गुप्त रूप में भक्ति देने के लिए आए, तो उसका पास जाओ वो तुमको सारे बता दे। तो वो आए तो महाप्रभु उसको संबंध विद्या प्रयोजन इसका बारे में साधु साधन तत्व, साधु क्या है, साधन क्या है, साधन करके क्या मिलने वाला है, ये अगर हमारा दिल में ना बैठे तो किसका भजन करे, कैसे करे, क्यों करे, क्यों करे भजन, क्यों करे, क्या कारण है, कोई तो कारण होगा। तो ये जो है
संबंध जो संबंध आप बना के बैठे हुए हैं इधर पूरा संसार में, ये संबंध अनस्टेबल है, संबंध पक्का नहीं है। और ये संबंध अगर आप बना के रख दें मौत के टाइम में आपका, फिर ये जड़ संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो संबंध है सगे संबंधी सब लड़का लड़की सब बना के रखे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रांग बॉन्डेज, आपका छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुचरण में संबंध विधि प्रयोजन, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होने का बाद अनुशीलन करना चाहिए। अनुशीलन कैसे? हरिनाम मंत्र आदि के द्वारा, जो गुरुजी मंत्र दिए हैं हरिनाम दिए, इसका चर्चा करते 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 गुरुजी जो मंत्र उपदेश दिए है संबंध विधि प्रयोजन ज्ञान। संबंध क्या है? संबंध है ये तमाम दुनिया का साथ मेरा क्या ताल्लुका है, क्या संबंध है, इज देयर एनी रिलेशन। और ये जगत जो है, ये जो जगत का साथ मायादेवी का क्या संबंध है, मायादेवी का ये जो मायादेवी माया शक्ति विकार होकर ये बना हुआ है, और भगवान का साथ जो माया है जो हमको इल्यूजन में रखा है, ये माया का साथ भगवान का क्या रिश्ता है, और माया का साथ जीवात्मा का क्या रिश्ता है, ये सब विषय क्या है। तमाम इट्स ए बिग एरिया, तमाम ये जो संबंध ज्ञान बड़ा बिग वास्ट चैप्टर, सारे वस्तु नजर पड़े इसका साथ हमारा क्या संबंध है, ठाकुर जी का क्या संबंध है, माया का संबंध है, एक शुद्ध वैष्णव का हृदय में जागृत होता है। ये जो संबंध ज्ञान पूरा, गुरु जी का साथ मेरा क्या संबंध है, गुरु जी का भगवान का साथ क्या संबंध है, ये जो वैष्णव लोग कहाँ से क्या संबंध है, पूरा टोटल जो विज्ञान है जिसका बारे में चतुश्लोकी भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी ब्रह्मा जी को इनिशिएशन दिया, दीक्षा दिया ना, ब्रह्मा जी को दीक्षा हुआ, दी जो संस्कार हुआ, दीक्षा हुआ, काम गायत्री मिला, वो काम गायत्री जप करे ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी महाराज जो वस्तु एकदम डायरेक्ट फील किया, देखा, जब भजन करते करते भगवान ये रहस्य को खोला, तब ये जो विषय डायरेक्टली देखा है उस विषय ब्रह्म संहिता में लिख के रखा है, ब्रह्म संहिता इसमें। और भागवत में आता है, भागवत में चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी जो 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 डायरेक्ट फीलिंग है वो रखा है उसमें। ज्ञानम परमम गुज्जंग में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंग ज गृहानुगदितं मया, ये पहला है। ज्ञानम परमं गुज्जंग में यद विज्ञान समन्वितम, इसका बहुत डिटेल्स डिस्कशन होनी चाहिए, हम तो टच करके जाए। ज्ञानम परमं गुज्जंग में, जो ज्ञान इस जगत में मिलता नहीं है, ज्ञानम परमं गुज्जंग में यद विज्ञान समन्वितम, ये ज्ञान भी विशेष ज्ञान है, विज्ञान समन्वित साइंटिफिक ज्ञान विथ अनुभव के द्वारा समन्वित जो ज्ञान है। ज्ञानम परमम गुज्जम, परम गुज्जम, परमम गुज्जम, ये गुप्त रहस्य है। ज्ञानम परमम गुज्जंग में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम, इसका रहस्य मिस्ट्री है, जो गोपन गुप्त रहस्य है, ये भी आपका सामने मैं खोलना चाहता हूँ, आप ग्रहण करो। ज्ञानम कर परमम गुज्जंग में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगं च, उसका जो पाठ है, ये ज्ञान का रहस्य का भी एक एक पार्ट है, तदंगंच इसका अंग अंग है, सांग पूरा संग कंप्लीट ज्ञान आपको दे रहा हूं मैं। ज्ञानम परमं गुज्जंग यद विज्ञान समन्वितम स रहस्य तदंगंच गृहाणो गृहाणो गदितो मया, गदितो मने कथितो मया, हम बोल रहा हूं तुम ग्रहण करो, क्योंकि तुम अपने आप जोर जबरदस्ती ये ज्ञान ले नहीं पाओगे, जब हम दे तब मिले, समझा मेरा बात। ब्रह्मा को ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जोर जबरदस्ती मिलने वाला कोई भी किसी भी हालत से ये मिलने वाला नहीं, गृहाणो गदितंग, आप ग्रहण करो, मैं बोल रहा हूँ दे रहा हूँ, जब तक हम ना दे तब तक आप जोर जबरदस्ती करो, आपको ये मिलेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ एप्लीकेबल गुरु जी का दीक्षा में भी,
जब गुरुजी का बात जोर जबरदस्ती करे मिलेगा नहीं। गुराजी गुरुजी भी देखे तो धोखाबाजी कर रहा है मेरा साथ, तो धोखा दे दे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वो नहीं पाए। तो ये है पहला, ये जो भगवत धर्म का गुप्त रहस्य खोलना शिष्य के सामने गुरुजी खोल देता है, ये सब कोई के सामने खोलता नहीं। हजारों हजारों शिष्य आता है, लेकिन भागवत का सिद्धांत है एक आध शिष्य ऐसा होता है जो जेन्युइन, उसका सामने गुरुजी ये रहस्य खोल देता है, वही महापुरुष। एक सत्शिष्य जो है, ये जो सत्शिष्य है वही गुरु, उसको ही गुरु बना के जाता है गुरुजी। सत्शिष्य मतलब गुरु, क्योंकि गुरु का प्लेटफॉर्म में नाव आए तो गुरु का सेवा नहीं हो पाता। सत्शिष्य मतलब वो गुरु, उसका गुरुत्व तो आ गया है। सत्शिष्य जो वास्तव सत्शिष्य वो जरूर गुरु बना है, तो गुरु का प्लेटफॉर्म में ना जाए तो गुरु को सेवा कैसे करे। गुरु ऊपर है, मैं नीचे हूँ, कैसे सेवा करे। समझा मेरा भाई, गुप्त रहस्य है ये, जो गुरु तत्व का बड़ा गुप्त रहस्य है। भागवत में बताया गया स्निग्ध शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमपि उतो, एक स्निग्ध शिष्य जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो तो 100 बार बोलोगे लेकिन 100 बार आएगा नहीं। आप ट्रांसलेट करो क्योंकि कोई पति शब्द नहीं है उसमें। अब कोई बोले 100 बार शिष्य है, नहीं, 100 बार ये शब्द जो है एप्लीकेबल, इट इज़ नॉट कम्प्लीट हैं। ये जो स्निग्ध शिष्य है इसका बहुत इनर मीनिंग है। स्निग्ध शिष्य का मतलब है उसका अंदर में जरा सा भी कोई कामना वासना का कोई गंदगी है नहीं। कामना वासना तो दूर की बात है, कोई गंदगी नहीं। जो रूप गोस्वामी पाद जी ने खुल्लम खुल्ला बाद में चर्चा हो पाएगा, बहुत सारे सीक्रेट चीज, अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेण कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तमा भक्ति, यही भागवत भक्ति, यही आत्मभक्ति। इसका बारे में ये जो स्निग्ध शिष्य जिसका सामने गुरुजी अपना भजन जीवन का भजन का जो रहस्य हो, गुप्त भजन, वो जो अपराकी जगत का सारे जो रहस्य है खोल सकता है, वो कौन है? वो स्निग्ध शिष्य है। अगर स्निग्ध शिष्य नहीं है, जरा सा भी उसका अंदर में कोई अहमिका है, अहंकार है, कोई कामना वासना की गंदगी है, तब तक नहीं होगा। जैसे एक पात्र में मैं हिंगूर रखा था 6 महीना पहले, आप खोल के देखो उसका अंदर से हिंगूर का गंग, हिंगूर नहीं है, खत्म हो गया, लेकिन गंदगी जरूर आए। महाराज हिंग नहीं है, हिंग का गंध है, हिंगूर का गंध आएगा, इतना उग्र चीज़ है। कपूर, कपूर रखे हो ना एक पात्र में, 6 महीना बाद खुलो तो उसका अंदर में कपूर का गंध, कपूर नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा, कितना विशुद्ध होना चाहिए। तो वो स्निग्ध शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमपि उतो, ऐसा किस्म का जो शिष्य है जो गुरुदेव तात्मा, गुरुदेव के साथ उसका जो भावना है टोटली मिल गया। अभी हम ये कह सकता है जो गुरुजी है वही शिष्य है। जैसे हम बताते हैं जो परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज है वही बावन गोस्वामी महाराज, कैसे बताए? जो परम पूज्य भक्ति जो माधव गोस्वामी है वही है तिल भक्ति वल्लभ चित्त गोस्वामी, वही है, इस शरीर में मिलता नहीं, वही है। क्यों? गुरुजी के साथ उसका भावना टोटली सबमर्ज, टोटली इन टोटो, तभी सक्सेस का जो की है टॉपमोस्ट ऊपर आप जा पाओगे। समझा मेरा? जितना चीको चिल्लो कुछ होने वाला नहीं, धोखा दो कुछ नहीं होगा, ऐसा बात है। तो इस समय में क्या होता है, गुरुजी शिष्य के सामने जैसे परम माधव गोस्वामी महाराज इनको कृपा की, जैसे इसलिए माधवेंदु परिपाद ईश्वर परिपाद को कृपा लिखा है, जे माधवेंदु परिपाद जी का अंदर में जो प्रेम का जितना खजाना है सारे भरपूर दे दिया, किसका अंदर? ईश्वर परिपाद का। अगर गुरुजी मेरा प्रसन्न हो, गुरुजी का जितना संपत्ति हमको मिले, तुम जितना पॉलिटिक्स करो जितना करो कुछ नहीं होने वाला, अगर देना चाहे तो गुरुजी, हमारा अगर गुरुजी का कृपा हुआ तो दे देंगे, जोर जबरदस्ती नहीं होगा। और अगर हम प्रमाण करना भी चाहें मैं गुरुजी का शिष्य है कितना सेवा किया, ये भी संभव नहीं। बाहरी दृष्टि आदमी तुमको पूजा करे, अरे ये गुरुजी का सेवा किया,
वास्तव में सेवा ही किया नहीं, गुरु जी के साथ बिजनेस किया है, कोई जानता उल्लू का सब जानता ही नहीं कोई, समझा मेरा बात। प्रभुपाद जी ने इसका साइंटिफिक व्याख्या किया, प्रभुपाद जी ने बताए यदि शिष्य का अंदर जारा साबी कामना वासना प्रतिष्ठा का कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल गुरु जी का अंदर में जो करैक्टर है, स्वभाव है, वैशिष्ट है, जो सेवा का धारा है, भाव है, तमाम अगर शिष्यों का अंदर दिखाई पड़ता है तो बी श्योर द ही इज स्निग्ध शिष्य, समझा मेरा बात। साइंटिफिक दुनिया का आदमी प्रमाण करने का कोशिश करे, हम परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का असली शिष्य है, फिर भी होगा नहीं। ठाकुर जी ऊपर से हंसेगा, ठाकुर जी सब तो दुनिया उसको पूजा कर रहा है लेकिन मेरा नोटबुक में इसका नाम ही आया नहीं अभी तक, अब पूरा दुनिया उसका पीछे दौड़ रहा है, महाराज जी माला कीपा करो, कीपा कर फूल चढ़ाए या माला चढ़ाए, ऐसा रहस्य चीज़ है, ये बड़ा सीक्रेट चीज़ है। जब शिष्य का अंदर में गुरु जी का जितना सारे भावना है, सिद्धांत है, विचार है, आचरण है, टोटो इन टोटो गुरु जी का अंदर सब शिष्य का अंदर में दिखाई पड़ता है, तो ये समझ लो कि पूरा कृपा भरपूर इसको मिला। बाहर की दुनिया कुछ भी करे, इस शिष्य को पूजा करे ना करे वो दूसरा बात, गौरकिशोर बाबा जी महाराज को किसने पूजा किया था, अमेरिका रसिया से कोई आया था क्या, कोई जानता ही नहीं, ये महापुरुष है बैठा हुआ है, हैं किसको पता था, अब तो ऑर्डिनरी कोई भक्तों के सामने सब अमेरिका रसिया महाराज महाराज, अरे क्या आता है ना, इसमें महापुरुष भी है उसका पास भी आता है, ऐसा नहीं ज़्यादातर तो ऐसा बात है। तो संबंध अविधेय प्रयोजन का विशेष ये है कि हमारा अंदर में भगवान ठाकुर जी का साथ, नित्य धाम का साथ, नित्य भगवान का नाम का साथ मेरा क्या संबंध है, पूरा जागरूक हो जाए। जब गुरु की पूर्ण मात्रा में हो जाए तब हमारा अंदर में ये ज्ञान का परिस्फुटन खोल जाए, और जब तक संबंध ज्ञान का परिस्फुटन ना हो जाए तब तक अविधेय शुरू नहीं होगा। वेरी साइंटिफिक वर्ड, वेरी केयरफुल सुन लो, जब तक संबंध ज्ञान का परिस्फुटन ना हो जाए, परिपूर्ण रूप से संबंध ज्ञान का परिपुष्टि ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए संबंध ज्ञान, तब तक अविधेय व्हाट टू डू, व्हाट इज माय ड्यूटी, ये परिस्फुटन नहीं हो पाएगा। आपका साथ आपका बच्चा का संबंध पता है क्योंकि माया देवी संबंध बना दिया, सुबह से लेकर आप बिजी हो, बच्चा हमारा कैसे ठीक रहे, कैसे स्कूल जाए, क्या खाएगी, सब विषय में, क्योंकि बाहर का आदमी किसी एडवाइज़र को बुलाने का जरूरी नहीं, मैया के अंदर में ऑटोमेटिक ये सब ज्ञान आता है, ये हमको ये बच्चा का खराब हो जाएगा तबीयत, अरे किसने एडवाइस किया, नहीं एडवाइस का जरूरत नहीं, अपने आप आ जाता है। माया देवी का ऐसा बनाया हुआ संबंध है कि ये ऑटोमेटिक, ये हमारा पति देवता है, ऑफिस में जाए शाम को आएगा 6 बजे, तो क्या खाना बनाए क्या करे सब ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन शादी का पहले वो आदमी का साथ उसका कोई संबंध नहीं था, और कोई ऑफिस में जाके का खाए, घास खाए कि क्या खाए उसका चिंता भी नहीं था, तुम्हारा अंदर में का खाए खाए, दुनिया मरने जाए हमारा क्या है। जब संबंध बन गया, शादी हो गया, ये मेरा पोती देवता है, ले चलो कोई बात नहीं, उसका बाद संबंध ज्ञान हो गया, माया का संबंध ज्ञान, तब उसका ड्यूटी अपने आप आ गया। संबंध होने का पहले ड्यूटी नहीं था, संबंध हो गया तो ड्यूटी शुरू हो गई। अगर कोई नाटक करे पोती देवता का सेवा का, उसको व्यभिचारिणी कहा जाए, असली सेवा नहीं हो पाएगी सबमिशन के बिना, ये भी एक किस्म का सबमिशन, माया देवी का चक्कर है, ये भी एक किस्म का सबमिशन है, लेकिन भागवत धर्म में जो सबमिशन है ये टोटली प्योर, एकदम विशुद्ध सबमिशन होनी चाहिए। अब संबंध ज्ञान का परिस्फुटन होने का बाद हमारा क्या कर्तव्य है भगवान का साथ, भक्तों का, भक्तों को क्या कैसे करना चाहिए, सारे हमारा अंदर में ये ज्ञान का दिव्य ज्ञान आ जाए, ये हमारा कर्तव्य है, ठाकुर जी को ऐसे ऐसे सेवा करे, हमारा ये नियम बना के रखे हमारा, क्योंकि ठाकुर जी का सेवा नहीं हो पाएगा, ऐसा जो विषय है इसको अविधेय ज्ञान बोला है। अविधेय ज्ञान इसमें पूरा तमाम तुम्हारा ड्यूटी का क्या कर्तव्य है, गुरु जी का कृपा से सारे, गुरु जी नित्य जगत में चला गया,
अब गुरु जी ऊपर से मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तेरे ये ड्यूटी है, किताब छपा, जा सोना मत, जा ये कर, उधर जा, सब बोल रहे हैं। गुरु जी अगर नहीं हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो हमारा बाप का भी हिम्मत नहीं कुछ करे। गुरु जी का प्रेरणा आ रहा है, गुरु जी दिखा रहा है ये सेवा का रास्ता, ये अभिदेव बन गया। अभिदेव में श्रवणम कीर्तनम ये सब का बहुत सारे हैं, 64 किस्म का भक्ति का अंग, इसमें 9 विधा भक्ति का विशेष है। कब हम चैतन्य महाप्रभु का बारे में बताएं उसमें बताएंगे, महाप्रभु जो बताएं। तो ये जो है श्रवण कीर्तन आदि और जितना सारे भगवान का परिचर्या आदि, अगर हमारा घर में विग्रह नहीं है, फोटो रखा किया करो, फोटो रखो, उसका सेवा करो, और सारे जो अपने को पूरा दिन भरपूर भगवान का सेवा में लगा के रखना, एंगेजमेंट, ये भजन का रहस्य है। अगर विशुद्ध गुरु वैष्णव का कथा नहीं सुनोगी तो ये परिस्फुटन नहीं हो पाए। पूरा दिन ये भजन का एक गुप्त रहस्य है कि हर वक्त ऑल द 24 आवर्स हाउ आई कैन एंगेज माई सेल्फ इन सेवा, ये गुप्त रहस्य है। जो महापुरुष लोग हैं वो महापुरुष के ये की है, ये हर वक्त जहां भी रहे सेवा में लगे हुए, हर वक्त कहीं भी रहे हर वक्त सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये जो रहस्य है, ये रहस्य बड़ा गुप्त रहस्य है, इसमें सिद्धि का रास्ता मिल जाए। रूप गोस्वामी पाद इसका बारे में बहुत सारे सुंदर बताया, काल परसों अगर उपाय चर्चा हम बताएंगे जो कैसे हर वक्त अपने को सेवा में लगाना चाहिए। एक भगवत भक्त का जीवन में रेस्ट लेने का कोई सवाल ही आता नहीं। अगर रेस्ट लेने का, बहुत सेवा कर चुका, सुबह से 5 घंटा अभी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं विश्रम कर रहा हूँ, ये भक्तों का बात नहीं है। श्रीला भक्ति वल्लभ तित्त गोस्वामी महाराज का जीवन चरित ये अधम से लिखवाया, उसको थोड़ा पढ़ लो, इसमें देखोगे महाराज जी का जिंदगी में विश्राम लेने का कोई बात ही है नहीं, कभी विश्राम लेने का कोई बात नहीं, हर वक्त सेवा। ये जो रहस्य है महापुरुषों का जीवन को देखना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा, उल्टा पलटा भटोगे, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो अविदेह है, ये अविदेह ज्ञान का परिस्फुटन संबंध ज्ञान का होने का बाद ही होगा, इसका पहले नहीं होगा। और ये जो अविदेह में करते चलूं जिंदगी भर, उसके बाद क्या मिलने वाला है, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट फाइनली, व्हाट रिजल्ट, क्या मिलने वाला है हमको। ये मिलने वाला जो चीज़ है, ये गुरु जी एक सत शिष्य का अंदर में इसका झांकी दिखा देगा, देख बेटा ये मिलेगा तेरे को, अच्छा ये मिलेगा। क्योंकि ये जड़ जगत में भी कोई अगर अच्छा चीज़ ना मिले, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम जो पढ़ाई लिखा कर रहा है, हमको अल्टीमेटली ये नौकरी मिलना है, शादी करे, मजा करे, सब इसी लेके ये सब है ना, इसका बोलता है अल्टीमेट गोल, बद्ध जीवों का अल्टीमेट गोल। वह अगर सामने हमारा कोई गोल नहीं है, कोई हम क्या वस्तु मिलने के लिए इतना कष्ट कर रहा है, वो कोई उसका अगर यूटिलिटी पता ना चले, आ तुम इतना कष्ट करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, किसने बोले मारा हम चार्टर्ड पास करेंगे उसका बाद 2 लाखों रुपया कमाएंगे, है ना। ये जड़ जगत का शिक्षा का पद्धति अभी ये हो गया एकदम ड्राई, कोई भी भगवान का साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, कुत्ता बिल्ली का एडुकेशन। जो एडुकेशन मिलने के बाद भगवान का भक्ति दूर की बात है, भगवान को फेंक दो, गुरु वैष्णव को फेंक दो, दैट वी आर टीचिंग फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, बट प्रीवियसली सिचुएशन वॉज नॉट लाइक दैट। पहले जमाने में जो पहला शिक्षा भक्ति ठाकुर ने बताया, उस जमाने ऐसा नहीं था फुल्ली। पहले बच्चा का अंदर में भक्ति ठाकुर जी का साथ क्या संबंध, ये सब होता कम से कम थोड़ा बहुत, बिना भगवत संबंधों ये लोग दौड़ रहा है कुत्ता बिल्ली का माफिक, एडुकेशन, पैसा, नाम, पॉलिटिकल लीडर, दे आर ऑल फुलिश इडियट नंबर 1 चल रहा है, ज्ञान है ही नहीं। और हमारा अंदर में अगर गुरु जी कोई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव
वो लुभाने वाले चीज अल्टीमेट। हमने तो पहले शुरुआत किया जड़ जगत का आकर्षण विकर्षण का, ये जो फांसी का फंदा है इसका बाहर जाना, ये तो बताया। लेकिन अप्राकृत जगत का जो अट्रैक्शन है ये होनी चाहिए, समझा मेरा बात। ये तो हमने जड़ जगत का बात बताया, जड़ जगत का आकर्षण विकर्षण से छुटकारा नहीं मिलेगा, मिले तो तब तक हमारा हरिभजन नहीं हो पाएगा। लेकिन हरिभजन में गुरु जी अगर हमको लगाया, आम हरिभजन के लिए तैयार भी है, सबमिशन भी है, लेकिन किस वस्तु हमको मिलने वाला है ये गुरु जी अगर ना हमारा सामने पेश कर सके तो हमारा अंदर लोभ नहीं उत्पत्ति होगा। गुरु जी अगर हमारा अंदर में लोभ ना पैदा कर सके, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ भक्ति। बद्ध जीवों का सामने तुम छोटोगे, भक्ति का इंस्टॉलमेंट नहीं हो पाता। लेकिन एक गुरु वैष्णव का इतना पावर है, कोई भी सामने आए उसका अंदर में भक्ति का स्थापना कर सके। गुरु तत्व का ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल गुरु, कौन सक्सेसफुल गुरु, अची नोति जो स्वास्थ्यार्थम स्वयं आचार्य स्थापयतोपि, ये सब बात कब चर्चा होगा, जिंदगी जा रहा है भाई पुराण का। जो संत महात्मा खुद आचरण करता है, कोई भी जीव उसका सामने आ जाए महाराज हमको बचाओ, तुरंत उसका अंदर में प्रभाव ऐसा डाल सकता कि उसका जीवन जिंदगी चेंज हो जाए। इम्प्रेशन ही कैन पुट ऑन इम्प्रेशन, वो छप्पा तुम मर जाओगे आत्मा का साथ रह जाएगा, कभी मिटेगा नहीं। ये प्रभावशाली आचार्य दिखा दे रहा है वही आचार्य, ऐसा बात नहीं। सुखदेव गोस्वामी तो किसी को दिखा दे, परीक्षित महाराज का दिखा हो गया भागवत कथा का साथ साथ। भागवत धर्मों का पूरा मीनिंग परीक्षित महाराज का दिल में प्रकट हो गया। आज तुम्हारा सामने हरिनाम महामंत्रो काम गायत्री काम गीज गायत्री में देने का बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। जब आदमी ये सवाल रखता है महाराज परीक्षित महाराज का कहाँ दिखा हुआ है, तो पोपात बोले व्हाट डू यू मीन बाय दीक्षा, पहले ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय दीक्षा का क्या मतलब है, तुम क्या समझती हो। दिव्य ज्ञान का परिस्फुटम हृदय में ही तो दिखा है ना, तो तुम्हारा अंदर में हरिनाम दिया दीक्षा दिया सब कुछ हो गया, तुम्हारा कोई दिव्य ज्ञान का प्रकट नहीं हुआ, तो तुम्हारा दीक्षा नहीं हुआ, इट्स नॉट कंप्लीट दीक्षा। तो हम क्या गलती कर दिया यह बात बोले। लेकिन परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी परमहंस गुरु जी का पास पूरा भागवत धर्मों का श्रवण किया, और ये तो है ही है भागवत में चार जगह बोला गया एशो महाभागवत, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज का बारे में टाइटल दिया गया, बड़े बड़े मनी ऋषि भागवत में तीन चार जगह एशो महाभागवत, ये महाभागवत है, फिर भी एक बद्ध जीव का मापिक नाटक कर रहा है क्योंकि हमको सिखाने के लिए। ये क्वेश्चन देके तो मैंने शुरू किया ना भागवत धर्मों समझाने के लिए, इसी क्वेश्चन देके तो शुरू किया था। अथो प्रेक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरु पुरुष से हयात कार्यम म्रियमान सर्वथा। महाराज ये बताओ हे गुरुजी, जो मरने वाले जो जीवा सब जीव हैं इनके लिए क्या विशेष है, क्या जाजन करे, क्या कुछ करे जिसके द्वारा उसको पूर्ण फायदा मिले, परिपूर्ण पूर्ण भी नहीं। अथो पृच्छामि, जो जगत का जो ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा बोला ना वेदांत में, यही तो आया कि अथो देखे बाट, बाट देखे कोई शब्द शुरू होता नहीं, किंतु देखे कोई शब्द शुरू होता है, इसका पहले कुछ है, इसका बाद किंतु लगाया, बाट लगा है ना। तो ये जो अथातो अथो तो अथातो, ये दुनिया का जो अनस्टेबिलिटी है खनभंगुर ये जो जगत है, ये को अनुभव करने का बाद आपका सामने ये सवाल रख दिया, ये तो है ना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये परीक्षित महाराज जी ने बताया अथो परीक्षामि संसिद्धिम, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि दुनियादारी के कोई चीज़ मेरे को आनंद दे नहीं सका, मेरे को सेटिस्फेक्शन, मेरे को निर्भय बना नहीं सका। अब आप बताओ कैसे होने से हमको संसिद्धि होगा, होगी संसिद्धि, सिद्धि नहीं। सिद्धि का मतलब तो बहुत सारे ऑर्डिनरी सिद्धि हो सकता है,
क्योंकि 18 किस्म का सिद्धि है, ठीक है, वो सब सिद्धि नहीं। परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किया संसिद्धिम, संसिद्धि मतलब कंप्लीट सिद्धि, टोटल सिद्धि। वो कैसे होता है? वो भागवत धर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा। भगवत धर्म का क्या मसला है? भक्ति तो है, तो इसके द्वारा जब तक भक्ति ना पैदा हो जाए, ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, किसी मार्ग में किसी चैन बेचैनी बने रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। वो किसी भी हालत से कोई फायदा नहीं होगा ना, इसलिए ऐसा बताए परीक्षित महाराज। अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परम गुरुम, क्योंकि योगियों में आप टॉप मोस्ट योगी। अरे आप प्रश्न करेंगे महाराज कहाँ का योगी है, तो योगी नहीं है, अब तो बोला भक्त। अरे आप समझा नहीं, योगी का मतलब इट्स ए कॉमन टर्म, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजगुह योगी। योगी मतलब टू गेट इन कनेक्शन विद सुप्रीम लॉ, इट्स ए प्रोसीड्यूर, जो कॉमन टर्म। लेकिन सुखदेव ये बोले योगी नाम परम गुरुम क्यों बताया? क्योंकि बाकी जो योगी है, जो भगवान का किसी भी हालत से जो सूत्र स्थापना की है, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, राज कोई भी है, तो ये जो है, लेकिन इनमें आप श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपका अंदर में दूसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ भक्ति, विशुद्ध हो, विशुद्ध एकदम परमहंस हो। तो इसलिए बताया योगी नाम परम गुरु, आप योगियों में परम गुरु हो, क्योंकि आप परमहंस श्रेष्ठ हो, परमहंस कुरुचुर, परमहंस कुल का टॉपमोस्ट हो। आपका सामने मेरे ये सवाल है, क्वेश्चन है, जो हमारा कैसे टॉपमोस्ट मंगल होगा। मंगल का तो बहुत सारे रास्ता है, ऐसा है ना, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, चाचा जी ने बोला तो नौकरी नहीं मिल रहा है, एक काम कर, तेरे को 50,000 रुपया हम दे दे, तो बिजनेस शुरू कर, तुम्हारा मंगल कर दिया। लेकिन ये जो मंगल का रास्ता है, पोती देवता ने पत्नी का मंगल कर दिया, बहुत सारे मंगल का रास्ता है, किसी नाम को कोई शिक्षा दे दिया, मंगल कर दिया। लेकिन ये सब मंगल का जो अधूरा मूर्ति है, मंगल का विशेष विशेष सब विशेष है, ये मंगल अलग अलग किस्म का होता है, लेकिन मंगल कंप्लीट मंगल नहीं। जब परीक्षित महाराज सुखदेव जी गोस्वामी के सामने क्वेश्चन रखा है, तो ये चाहता है कंप्लीट मंगल, हमारा कैसे परिपूर्ण मंगल हो जाए। ये तो पुरुष से यत्कार्यम म्रियमानस सर्वथा, जब मरने वाले हैं, सब मरने वाले हैं, टुडे टुमारो एनी टाइम दे आर गोइंग टू डाई, इसी हालत में आपका सामने मेरा ये क्वेश्चन है, ऐसा कोई रास्ता बताओ जिसमें हमारा संसिद्धि मिले, ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। संसिद्धि मतलब भगवत प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ये रास्ता बताओ। ये भगवत धर्म का ये जो रहस्य है, ये तमाम दुनिया समझ नहीं पाती, बहुत गुप्त रहस्य है। ये जो भगवत धर्म का रास्ता है, इसमें बहुत सारे एक एक डिरेक्शन है। इसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के सामने क्वेश्चन रख दिया, आप परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, और अंतिम में 18,000 श्लोक, अंतिम 18,000 श्लोक होने के बाद वो नाम संकीर्तनम जस्व सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तंग नमामि हरिम प्रणम। भागवत का स्टार्टिंग में जन्मादस्व यतो देकर जो भगवान का साथ संबंध जोड़ने का व्यवस्था कर दिया, और अंतिम में ठाकुर जी का नाम का ही अंतिम एडवाइस दिया गया। पहले हम अभी बताया था कुछ देर पहले, जो गीता में भगवान जो शरणागति सर्वधर्मान समत्य सर्वधर्मानं परित्यज मामेकं शरणं भजो, ये गीता का फाइनल एडवाइस है। लेकिन ये गौड़ीय समाज का, गौड़ीय फिलोसॉफी में, गौड़ीय भजन में अगर आओगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, किंडरगार्टन का शिक्षा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि हमने बोला क्यों, इतना ऊंचा दर्शन है गौड़ीय दर्शन में, इसको बेसिक दर्शन बोला गया, इसका मतलब ये मत समझो कि गीता पढ़ना मना कर दिया।
जितना सारे रागानुगा भजन रूपानुगा भजन के बारे में पागलपंथी कर रहा है, तो हम वो गाली देते कि पागल है तू, गीता का कोई व्याख्या नहीं जानता, गीता में क्या रहस्य है तू शुरू कर दिया, गीता नहीं पढ़ा, चैतन्य भागवत नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, अरे शुरू कर दिया। हमने तो बोला इसलिए तुमको समझाने के लिए, गौड़ीय भजन में इतना टॉप सीक्रेट फिलोसॉफी दर्शन है, इसके इसके जो विचार है इसमें सर्वधर्मानंग परित्यज, जो इट इज़ द गेट, ये गेट है गौड़ीय मठ का, अंदर में तुम घुसना चाहते हो ये गेट है, इसका बाहर हो तुम, गौड़ीय मठ का अंदर नहीं हो, गौड़ीय मठ का अंदर ही नहीं हो, सब गौड़ीय मठ का बाहर चिल्ला चिल्ली कर रहे, गौड़ीय मठ का अंदर में एंट्री किसी का हुआ नहीं। एंट्री कब होगा? जब ये शरणागति सिद्ध हो जाए, गुरुदेव संतुष्ट हो जाए, तो तुमको गौड़ीय मठ का अंदर एंट्री दे। आ गौड़ीय दर्शन में सर्वधर्मानंद पड़ता जो ये है सबसे आगे का शिक्षा, ये हो जाए तो बाकी आप प्रवेश हो जाए, उसका बाद पूरा खजाना मिल जाए, इतना तमाम खजाना, समझा मेरा। और जितना सारे परीक्षित महाराज जे क्वेश्चन की हैं, क्वेश्चन के साथ साथ सुखदेव गोस्वामी उत्तर दी हैं, देखो जे ये जितना सारे तमाम संत महात्मा हैं, महापुरुष हैं, ये सब अपराकृत जगत का, ये सब निर्णय लिया जे हरिनाम संकीर्तनी अंतिम भागवत धर्म का ये जो सबसे अंतिम चीज़ है, नाम के द्वारा ही तुमको सब सिद्धि मिलेगी। नाम छोड़कर, क्योंकि हमने बोला संबंधो विद्य प्रयोजन के बारे में अभी बताया नहीं, ये भागवत धर्मो जो है आत्मधर्म है, इसका जाजन हम करे, कृपा भी मिला, तो हमको फाइनली क्या मिलना चाहिए हैं? फाइनली क्या मिले? बोले भगवत भक्ति का पराकाष्ठा हो जाए, भगवत भक्ति में वो जो आराध्य भगवान बजस स्तनयस्तधाम वृंदावनम राम्मा काचित उपासना ब्रजपद वर्गे न जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरण अपरा। फाइनली यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग। फाइनली क्या मिले? बचे आराध्य भगवान बजस स्तनयस्तधाम वृंदावनम। तुम्हारा आराधना का विषय वस्तु क्या है? गुरुजी ने क्या दिखा है? बोले महाराज आराध्य भगवान, आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनयस्तधाम वृंदावनम, हमारा आराध्य वस्तु है वो वृंदावन में नंद बाबा का छोड़ा, नंद बाबा का जो छोड़ा है वो मेरा भजन का विषय वस्तु है, ब्रजंद नंदन आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय, ब्रजेशो ब्रज का ईशो, राजा कौन है? नंद महाराज, उसके छोड़ा है ना। आराध्य भगवान वजह से स्तनय, स्तनय मतलब पुत्र, और वो जो धाम में रहता है वो धाम, ये दोनों मेरा पूज्य है। आराध्य भगवान वजह से स्तनय और तद्धाम वृंदावनम, जिसमें गोविंद विराजमान है, लीला करता है। आराध्य भगवान वजह से स्तनय तद्धाम वृंदावनम, और कैसे आराधना करे? बोले राम्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। ब्रजवधुगण जैसे एग्जैक्टली जैसे सेवा की है अनुराग के मार्ग पर, रागानुगा मार्ग पर, ये अंतिम में हमको यही स्टेज पर आना चाहिए, नहीं तो रागानुगा भक्ति रूपानुगा सब उछल पड़ते हैं, पागलपंथी सब, सारे दुनिया नरक में। अरे दुनिया में अपना सेंस कंट्रोल नहीं है, अपना विस्तारा ठीक नहीं कर सकता, कैसे तुम रूपानुगो भजन करवे? कौन एडवाइस किया तुमको नरक में जाने का? पहले हरिनाम करो, शुद्ध गुरु वैष्णव का संगो करो, धीरे धीरे सब बनेगा, धीरे धीरे होगा ना, उनको जंपिंग करने का तो कोई पसूरियन नहीं है। तो आराध्य भगवान वजो स्तनयस्तधाम वृंदावनम, राम्मा काचिद उपासना, कैसे उपासना करें? राम्मा काचिद उपासना ब्रजवधि वर्गेण जा कल्पिता। ब्रजवधुगण
वृंदावन का अंतकरण में गोपियों ने जैसे भगवान का सेवा की, एग्जैक्टली इन लोग अनुगत्य में हमको भी ऐसे सेवा करना चाहिए। ब्रजवधु वरुण जाकल्पित था, और इसका कैसे करें, एडवाइस कहाँ से मिलेगा, एडवाइस कहाँ से मिला ऐसा जो सेवा करे, बोले पूरा तमाम मिलेगा भागवत से, लेकिन भागवत का पास जाना पड़ेगा। तुम अगर भागवत सीखने के लिए बाजार में जाओगे होगा नहीं, ये भागवत जो है एक ग्रंथ भागवत भक्त भागवत के पास जाना पड़े, वो भी इस रस रस का है। हमारा गुरुवर्ग जो है एक रसिक है, बाहर में पुरुष रूप धारण करके गोपी है अंदर में। इसमें बताया गया कैसे सहारा कैसे हैं, हमको तो कोई अवलंबन चाहिए। बोले श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, इसका बारे में श्रीमद भागवत जी महापुराणी एकदम विमल विशुद्ध प्रमाण, श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम और प्रेमा पुमार्थ महान, जिसमें प्रेम मिलेगी पूरा एकदम फाइनल। भगवान ब्रजनंदन का पोती हमारा कर्तव्य है प्रेम। और ये किसने बताए, बोले साक्षात परात्पर अखिलेश्वर जो कृष्ण चैतन्य वही कृष्ण है, उन्होंने खुद बताया। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल प्रमाण मीन इसका ऊपर का और कोई प्रमाण है नहीं, ये सबसे ऊपर का प्रमाण। नरोत्तम ठाकुर भी मध्यस्थी भागवत पुराण लिखा हुआ कीर्तन में, ठीक है ना, इसमें बताया गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरण पर, श्री चैतन्य महाप्रभु का है ये मत है, ये एडवाइस है, जे भागवत का जो ये पद्धति है इसमें जन्मादश से लेकर संबंध विधि प्रयोजन परिस्फुटन होते होते फिर जितना सारे व्याख्या है प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद चतुर्थ सब धीरे धीरे अल्टीमेटली नवम स्कंद में जाकर परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गोस्वामी प्रवचन बंद कर दिए। ये रहस्य ना खुले तो भगवत धर्म को अधूरा रह जाए। तो गुरुजी आप बंद कर दिए भागवत, बोलो कथा तो हो गया, बोले नहीं तो जो जो असली चीज़ है भगवान गोविंद का बारे में ठाकुर जी का बारे में तो गुप्त रहस्य आपने, बोले देखो ऐसा है कि आप बहुत दिन से बैठे हुए हैं सामने, ना पानी ना खाना कोई विश्राम नहीं, नॉन स्टॉप हरी कथा नॉन स्टॉप रात दिन 2400 घंटा लगातार कोई स्टॉपिंग नहीं है। हमको तो चिंता हो रहा है ये लोग कैसे बीच में रिझाने वाले कीर्तन कीर्तन शुरू कर देते बीच में, हाँ तो तत्व तो बोलने के बाद भी समय नहीं मिलता, और भी चार घंटा पाँच घंटा बोलने के बाद शरीर से वो लोग बीच में कीर्तन कर दे, तुमको नचा दे हैं, मजाक दे दे तुमको, ऐसा करे, ये तो असली कथा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी के सामने लगातार टॉप मो नॉन स्टॉप हरी कथा बताएं, और ये हरी कथा बताने का साथ साथ जो नवम स्कंद आए इसको इसमें जाकर परीक्षित महाराज को परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा शिष्य, ऐसे तो परीक्षित नाम तो बड़ा सक्सेसफुल है, परीक्षित नाम मतलब ही इज ऑलरेडी टेस्टेड, परीक्षित परीक्षित नाम का ये मीनिंग है ही इज ऑलरेडी टेस्टेड एंड फाउंड ओके, स्टिल परीक्षित महाराज का ये नाम का ये सक्सेस है, फिर भी गुरुजी और दोबारा परीक्षा ले रहा है जब भी इसका हालत ठीक हुआ कि नहीं, क्योंकि हम दसम स्कंद का जो गुप्त रहस्य खोले ये जगह सही है कि नहीं, बिना पानी बिना भोजन बैठे हो इतना लंबा समय, जाओ थोड़ा खा पी के आओ रेस्ट ले लो, नहीं गुरुजी हमको विश्राम का जरूरी है नहीं, पीबंतम तन मुखाम वजम हरि कथामृतम, गुरु जी हमारा विश्राम तो हो ही रहा है, पी हम तो पी रहा है ना, क्या पी रहे हो, बोले आपका मुखारविंद से हरि कथामृतम जो है ये मैं पान कर रहा हूँ, मेरा खुदा तृष्णा कुछ नहीं है, विश्वास करो आप मेरे को धोखा मत दो, बिल्कुल असली चीज़ बताओ गुरु जी। जब ऐसा करके विनम्र भाव से शुरू किया तो सुखदेव गोस्वामी ने देखिए असली जगह है, इधर रहस्यों को खोला जाए। जब बोला
पिबंतम तन मुखाम्बुज च्युतम हरिकथामृतम। हम तो आपका मुखारविंद से हरिकथा अमृत का जो प्रवाह उसका पान कर रहे हैं, उसका हमारा कोई अमृत है ये, इसमें मेरा खुदा तृष्णा कुछ भी नहीं है, विश्वास करो अकिन मानो और शुरू करो। फिर सुखदेव गोस्वामी दसम स्कंद का शुरुआत करे। परीक्षित महाराज को जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षा लिया, हमारा प्रभुपाद भी ऐसा अनुशासन में रखना चाहते हैं। दसम स्कंद में प्रवेश किया तेरा अधिकार हुआ, तो भगवान का जन्म लीला भी तू प्राकृत करके समझेगा। प्रभुपाद का कहना था तू अगर भगवान का बाल्य लीला पर चर्चा करे उसमें भी तुम्हारा मेटेरियल कंसेप्शन आ जाएगा, ये सत्यानाश कर देगा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से। और कहाँ गोपी भाव लेके सबको एकदम बंटवारा कर दो, ले ले गोपी बन गया सब, दीक्षा हो गया गोपी बना दे, हो गया समाज संसार को ध्वंस कर दे भजन का नाम पे, मेरा प्रतिष्ठा हो गया और क्या जाने दुनिया कुछ भी हो जाए। तो संबंध विद्या प्रयोजन, प्रयोजन तत्व में, प्रयोजन तत्व में क्या है, प्रयोजन तत्व आएगा ये जो भगवान नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण है, भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण का आराधना और वैसे ब्रज गोपियों का जो दिखाया हुआ रास्ता, विशेष करके राधा रानी गुरुओं में गुरु, गुरु का राधा रानी का अनया राधित नूनम ये जो श्लोक है भागवत में, निश्चित रूप में राधा रानी के द्वारा ही गोविंद जी का सबसे टॉप मोस्ट सेवा हुई है। अनया राधितम, अनया माने इनके द्वारा ही सबसे टॉप मोस्ट सेवा बना गोविंद जी का, इससे बढ़कर होगा। और गौड़ीय मठ का हमारा जो अजय भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म का धीरे धीरे हम खोल के दिखा दिया, भागवत धर्म ही आत्मधर्म क्यों ऐसा बताया, बताया क्योंकि आत्मा का आत्मा जो है वो गोविंद जी है ना। आत्मा का आत्मा कौन है, भगवान गोविंद है, भगवान गोविंद गोविंद ही परमात्मा का रूप में हमारा हृदय में बसे हुए हैं। अगर किसी का अंदर में ये भावना आया कि भगवान क्यों ये सब किया, ये तो गलती है। जो परीक्षित महाराज जी ने गुरु जी के सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि गोविंद जी तो भगवान तो आप तो काम हैं, आत्मा राम हैं, उन्होंने क्यों गोपियों के सामने ऐसा लीला किया, क्या दरकार था, ये तो क्योंकि भागवत धर्म आत्मधर्म का ये सबसे बड़ा टॉप सीक्रेसी है। परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन रखा है मेरे लिए क्योंकि कभी ना कभी हमको ये क्वेश्चन का आएगा, हम उत्तर देखेंगे। परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन रख दिया इसलिए कि उत्तर आए इसका, आत्मकाम आत्मा आत्मकाम यदुपति ही कृतवान वैयुगोपस्थितम, आत्मा राम गोविंद जो है जरूर गलती किया, ये तो ये सब फालतू काम किया है ना। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिए नहीं, सब कोई का अंदर में भगवान बैठा हुआ है, सब कोई का कौन नहीं, सब प्राणियों में भगवान गोविंदो परमात्मा के रूप में बैठा है, चाहे कीड़े मकोड़े या तो कोई जनानी है कि मर्दानी है, सब का अंदर में ये परमात्मा के रूप में गोविंद बसे हुए हैं। ऑल प्रोवाइडिंग सुप्रीम लॉर्ड सब कोई का हृदय में बैठा हुआ है। तो ये पति का रूप में, पति का रूप में कोई स्त्री का सामने जो पति देवता है, इन पति देवता का अंदर में भगवान है तभी इसका पति देवता नाम पड़ा। अगर भगवान नहीं होते, भगवान तो पति देवता कहाँ का पति देवता, तो गिर जाएगा, समझा मेरा बात। उसको जो एक एक व्यक्ति का सामने जो हमारा ये स्त्री है, हमारा ये पति देवी, जो सिद्ध होता है जो संबंध हो, ये भगवान बसा हुआ है तब ना सिद्ध हो रहा है। भगवान अगर छोड़ दे तो क्या मुर्दा परा रहेगा, समझा मेरा बात। गोपी नाम तत्पति नाम चो सर्वेशम एवं देही नाम जो अंतश्चरः स अध्यक्ष किरण नेह देह भाग, कितना सुंदर उत्तर दिया देखो। हे राजन सुनो, सब कोई का घट घट में बसा हुआ गोविंद, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशम एव देही नाम, कौन नहीं है
सब कोई का अंदर में जो गोपियों का पति बन के बैठा हुआ है, सब कोई तो गोविंद है, पोती देवता तो गोविंद है, किसको पोती बन के रखा है आपने, मूर्ख का माफिक। हमारा भी पोती है और आप तो लड़का है, आप तो आपका पति, हाँ जीवात्मा का स्वरूप जो है वो शक्ति है, हम तो ऐसा जन्म दिया ठाकुर जी हमको, पुरुष देह है, लेकिन अंतर में क्या भाव है, क्योंकि भगवान का सब शक्ति है, पुरुष और स्त्री ये तो भावना में है, शरीर दे दिया, लिंग चिन्ह दे दिया, इसलिए समाज संसार में चलने पड़ेगा, इसे नाम पड़ गया, ये लड़की ये लड़का, वास्तविक मध्य ना तो तुम लड़का हो ना तो हम लड़का है ना तो आप लड़की हो, कुछ नहीं, ये तो मायादेवी का चक्कर है, ये तो मायादेवी का चक्कर चल रहा है, तुम पुरुष हो, पुरुष मतलब क्या है, पुरुष भोगने का वासना, पुरुषा जो पुरुष है पुरुषार्थ भोगने का वासना नहीं, स्त्रियों का अंदर में जो भोगने का वासना रहे, काल गौरंग महापौर शिक्षा बारे में काल परसों गंभीर विषय है, कैसे एक माता जी का भी योषित संग हो जाता है, ये मैया लोग है, इन लोगों की योषित संग हो जाए, मैंने कहा हैरान का बात करे, जिंदगी में सुना ही नहीं, ये गौड़िया मठ है, कहाँ आए हो आप, दुनिया का किसी का हृदय में ये सब नहीं है, मायावादी के अंदर में जो वैराग्य है, गौड़िया मठ में एक महान साधु के अंदर में जो वैराग्य, ये हम दिखाए पार्थक हैरान हो जाओगे, ये मैया लोग है, इसका अंदर में जोशी संग होता है, ये लोग ही जोशी संग करता है, कैसे हो पाता है काल चर्चा में आएगा। तो ये जो सारे जीवात्मा है, सारे जीवात्मा भगवान का शक्ति है, ना तो पुरुष ना तो स्त्री, समझा मेरे भाई, हमारा गुरुवर्ग जो है अंदर में गोपी है, बाहर में बना हुआ है, भजन करते करते अंतिम जब शरीर छोड़ दे तो उसका बाद क्या होगा, वो शरीर बाहर में दिखावा छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो नित्य स्वरूप में राधा गोविंदों का सेवा में आराध्य भगवान वजस्तनयस्तधाम वृंदावन जो बता दिया वो वहाँ जाके सेवा मिलेगी ना, वो तो बस हो जाएगा। ये भागवत धर्म का एक गुप्त रहस्य है, भागवत धर्म का टॉप मोस्ट जो चेहरा है स्वरूप है हमने खोल दिया, ये न ये समझो मत जो राम जी का भजन करे तो भागवत धर्म का होगा नहीं, राम जी का भजन करे भगवान राम जी वो उस्ताद तक जाएगा, हमारे भागवत धर्म का एक्सट्रीम जो पॉइंट क्या मिलने वाला है, क्योंकि राम जी का भजन करो उसमें भी आपको टोटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, राम जी का भजन में आपका जो अंदर में जो भाव है उसका अनुभव आपको फायदा मिले, क्योंकि राम जी का जो स्वरूप है मर्यादा पुरुषोत्तम, इसमें रस का बंटवारा हो नहीं सकता, कैसे होगा, ओ जैसे पिता माता है, पिता माता का साथ क्या होगा, रस किस प्रकार का है, पांच प्रकार का है ना, पांच प्रकार का रस है, एक है शांत रस का बाद हैं दास्य हो गया, शांत दास्य सख वात्सल्य मधुर, ये जो रस का जो तरक्की ग्रेड इसमें आराई रस तक जा सकता, सख भी पूरा नहीं हो पाता, सख पूरा नहीं हो पाता, ठीक है ना, ये जो है रस का पूरा खुल्लम खुल्ला एक्सचेंज ऑफ रस नहीं हो पाता, एकमात्र भागवत धर्म पालन करो, भागवत धर्मो जो एक्सट्रीम रूप, इसमें भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र है, ओनली भगवान श्री कृष्ण, इनके साथ रस का पूरा विनिमय संभव है, माधुर्य का भी बहुत सारे उसमें सीक्रेसी है, माधुर्य रस में भी वो परकिया सकिया परकिया बहुत सारे भाव हैं, सकिया में भाव है अलग अलग, परकिया में भी और एक डिग्री है, ये सब जो सूक्ष्म रूप है एकमात्र एक जो भागवत धर्म का एकदम एक्सट्रीम जाजन किया नाम का सहारा लेकर, क्योंकि नाम का अंदर में सब कुछ है, हरिनाम का अंदर में हरिनाम जब जपते चलो इसका अंदर में सब कुछ है, भगवान का नित्य स्वरूप लीला परिकर वैशिष्ट जो कुछ है सब कुछ ये नाम का अंदर में पूर्ण रहस्य विराजमान है, लेकिन अभी नहीं पता चलेगा,
पूरा आदर्श के साथ, नियम के साथ, आचरण के साथ आप भजन करते चलो, आप देखोगी जे नाम जो है, नाम का अंदर में सब कुछ भरा हुआ है, सब नाम का अंदर में सब कुछ है, नाम, नाम का अंदर में भगवान का स्वरूप, भगवान का धाम, भगवान का लीला, सब कुछ नाम का अंदर में दिखाई पड़े, अभी नहीं पता चलेगा। तो आत्मधर्म ही भगवत धर्म क्यों बताया, अभी हम प्रमाण दिया, जब परीक्षित महाराज ने ए डेंजरस क्वेश्चन किया है ना, इसमें तो आम आदमी घबरा जाएगा, तो ठीक ही तो पता है कृष्ण भगवान क्यों किया ये सब गोपियों के साथ, ये तो ठीक ही नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो, भगवान श्री कृष्ण कोई ये जगत का हीरो नहीं है, राधा रानी गोपियों जो हैं ये कोई हीरोइन नहीं है। ये जर जगत में कोई पुरुष कोई स्त्री का साथ संग करे, व्यभिचार करे, वो उसका निंदा होता है, चर्चा होगा, कोर्ट में भी केस हो सकता है, कोई अगर होए, हुआ ना, हो सकता, निंदा का विषय है। लेकिन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो सब कुन पानी में नहीं है, कोने पोने में, वो अगर ये लीला करे, इसमें कोई दोष नहीं लगता। क्यों? जड़ जगत का जो हीरो हीरोइन है, ब्याह के लड़का लड़की को खराब कम कर दिया, इसमें निंदा होगा, क्योंकि भोगने वाला और भोगने वाला बहुत है इधर, एंजॉय करने वाला जो भोगता इधर बहुत काउंटलेस भोगता। किन लेकिन भागवत धर्म का विचार के द्वारा ये निर्णय होता है, भगवान श्री कृष्ण हो ओनली भोक्ता, भगवान से ओनली भोक्ता, कोई दुनिया का कोई आदमी अगर बोले मैं भोक्ता हूं, तो उसको भगवत धर्म का जाजन करने का दरकार नहीं, घर में चले। ये बेसिक फिलोसॉफी है, किसी का अंदर में कोई भोगने का वासना रहे तो भागवत धर्म जाजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें टॉप मोस्ट फिलोसॉफी ये है, भगवान श्री कृष्ण इज द ओनली एंजॉयर, सब हम उसको एंजॉयमेंट का हम वस्तु हूं, कोई भी वस्तु व्यक्ति जो है सब भगवान का एंजॉयमेंट का आइटम हूं, मैं एक आइटम हूं, भगवान हमको भोग करो। हम मंदिर में आकर देखे आज ठाकुर जी का क्या कपड़ हुआ, ठाकुर जी का कैसा सिंगार हुआ, देख लिया ना, आ ठाकुर जी पत्थर का है कि क्या किसका है, किसी ने सिखाया नहीं, ये दर्शन भागवत दर्शन नहीं है। मंदिर के सामने आकर हमको ठाकुर जी का दंडवत करके रोनी चाहिए कि ठाकुर जी आप हमको दया करके देखो, नज़र उठा के हम क्या ठाकुर जी को देखें। मेरा अगर दर्शन का विषय बन जाए ठाकुर जी, तो ठाकुर जी इज एन आइटम ऑफ माय एंजॉयमेंट, ठाकुर जी का सिंगर आज अच्छा हुआ, ये मेरा एंजॉयमेंट का विषय हो गया, मेरा आंखों का तृप्ति का विषय हो गया, अच्छा ये सब गुप्त रहस्य कोई सुना ही नहीं। ठाकुर जी के सामने आके कुत्ता का मापी दंडवत कर, ठाकुर जी हमारा मापी गिरा हुआ है, थोड़ा नज़र उठा के देखो, थोड़ा ठाकुर जी मेरे को देखे, मैं ठाकुर जी को देखूं, ये तो भोगने का बात है। ये भागवत दर्शन में भागवत धर्मों जाजन करने वाला नहीं है, लाखों लाखों लोग आता है, लेकिन भागवत धर्मों आत्मधर्मों जाजन करने वाला एक भी नहीं मिलता, वास्तव अर्थ में गुप्त रहस्य नहीं मिलता, सब कोई का अंदर में भोगने का जरा छोटा सोरा भावना है ही है, युक्त वैराग्य का जो रहस्य किसी का अंदर में नहीं है। हम काल ना परसों बताया था, अनासक्त विषयान यथारम पुजते श्लोक प्रापंचिकतया विद्या हरि संबंध बोला था ना, ये सब रहस्य। आज तो बहुत राग हो किया, तो इसमें काल हम और उत्तर देंगे इसका बारे में एक्सटेंड, क्योंकि महाप्रभु का सिक्का है तो भागवत धर्म का चर्चा तो आ ही जाएगा इसमें। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम वांछा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु भविष्य पतितानं पावन भविष्य।